आइए हनुमंत बिराजे, कथा कहूँ अति अनुसार। प्रेम सहित दादी धरू पधारिए पवन कुमार रामचंद्र की पवन सुत हनुमान उमापति महादेव बोले भाई सब संत जय राम।
राम जय राम जय जय विपति भंजन सुखदायक मंगल दशरथ अजय बिहार जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा जुगल कमल मना सुकृपा बस
श्री राम सरचा दे कुमारम करुणा जाहि दीन कर ले कर कृपा मर्दन राम मई सब जग जानी सिया राम मई सब जग जानी प्रणाम जोग जोग श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरन Thank you.
Thank you.
कृपा करो गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मा
कथा की एक परंपरा, एक उसकी नियमावली की प्रथम दिन वक्ता शास्त्र का परिचय दे, इसलिए चंद शब्दों में कुछ कहूंगा। लेकिन इससे पहले अभी जो मैंने दो पंक्तियां आपके सामने रखी, ये दोनों पंक्तियां, ये चौपाई अयोध्या कांड की है। दोहा 72 दोहा नंबर, उसके बाद की ये पंक्तियां हैं। प्रसंग की पूर्वभूमि, वैसे तो आप सब जानते हैं कि राम कथा को क्रमशः संक्षिप्त रूप में मैं आपको कहूंगा, हर प्रसंग को थोड़ा थोड़ा लेकर। लेकिन इस कथा का प्रधान प्रसंग अयोध्या कांड का एक प्रसंग रहे। लक्ष्मण जी भगवान राम बन जा रहे हैं, ये बात सुनकर उनकी जो दशा हुई, भारतवर्ष के त्याग और वैराग्य का साक्षात स्वरूप प्रकट हो। और जब भगवान उसको उपदेश देने लगे कि लखन मैं जा रहा हूं पितृ आज्ञा के कारण, मां के हित के कारण, भरत राजा हो जाए इसीलिए, सिया जो संग चल रही है, तुम घर रहो संभालो। उसी समय लक्ष्मण जी कह देते हैं कि धर्म का उपदेश उसको दीजिए महाराज, जिसको लोक में कीर्ति चाहिए और परलोक में मुक्ति चाहिए। मुझे न कीर्ति चाहिए न मुक्ति चाहिए, मुझे केवल राम चाहिए।
राम भक्ति चाहिए, राम सेवा चाहिए। और प्रभु मन वचन कर्म से जो समर्पित है उसका त्याग करना क्या एक आदर्श महापुरुष को शुभास्पद लगता है। शत्रुदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। एक बार यदि कोई प्रभु को यह कह दे कि मैं तेरा हूं तो भगवान कहते हैं मैं उसको अभय कर देता हूं। तो आप मुझे घर छोड़कर जाएंगे? और प्रभु समझ गए कि लखन नहीं रह पाएंगे। तब जो प्रसंग शुरू होता है, तीन दोहे का एक प्रसंग, प्रसंग का नाम है मां सुमित्रा का व्यक्तित्व क्या है राम के। वही प्रसंग में ले रहा हूं कि क्या है भारत की मां सुमित्रा। भगवान राम जी ने कहा मां गहु बिदा मां तु संजय, हे लखन तू जा मां के पास, सुमित्रा को प्रणाम करके उनसे विदा लेकर आवहु बेगी चलहु बन भाई, जल्दी आना, देर मत करना, क्योंकि देर करने में सुबह हुई तो जो नपरात मुनिवेश धरी। सुबह मां कैकेयी का घोषणा है कि यदि सुबह होते राम वल्कल पहन करने निकले तो मोर मरण, मैं प्राण त्याग दूंगी और बहुत अघटित घटनाएं घट जाएगी, इसलिए तुम जा मां को प्रणाम करके विदा लेकर जल्दी आ। और भय मुदित भय सुनी रघुवर बानी, रघुवर की ये बानी जब सुनी कि मुझे आज्ञा मिल गई, भय लाभ बढ़, लक्ष्मण जी को लगा कि बहुत बड़ा फायदा हो गया और गई बड़ी हानि, बहुत बड़ी हानि का निवारण हो गया। फिर वो लक्ष्मण जी मां सुमित्रा के पास जाती है, जाते हैं। सुमित्रा को तो अभी पता ही नहीं कि क्या हो गया है। और फिर हमारे देश की एक मां जो बोलती है, हमारे देश की एक जनेता के जो विचार है, कौन कहता है कि रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ है? केवल इस ग्रंथ को जो धार्मिक कहेंगे वो अपराध कर रहे हैं। ये तो वैश्विक ग्रंथ है, व्यक्ति राष्ट्र और पूरा निखिल ब्रह्मांड बिना राम पंचायत जीवन ठीक नहीं हो सकता। जीवन में राम चाहिए, लखन चाहिए, जानकी चाहिए, हनुमंत चाहिए और कोई राष्ट्र गुरु चाहिए वशिष्ठ जैसा। ये पंचायत है और व्यक्ति से लेकर विश्व तक लोगों ने हमारे देश में कुछ समय और बीच वाले काल में धर्म का बहुत संकीर्ण अर्थ कर दिया, दुर्भाग्य। उपनिषदकारों ने, भारत के ऋषियों ने यह कहा था गगन सिद्धांत, हमारा धर्म आकाश है, आकाश को खंड खंड क्यों करें, उसको क्यों तोड़ने की चेष्टा है। व्यक्ति का जीवन हो, राष्ट्र जीवन हो या विश्व का जीवन हो, राम चाहिए, सीता चाहिए, लक्ष्मण चाहिए, हनुमंत चाहिए, गुरुदेव वशिष्ठ चाहिए। राम यानी सत्य, सत्य नहीं होगा तो जीवन में क्या होगा मेरे भाई बहन? बिना सत्य कोई निर्भीक हो सका है दुनिया में? रामचरितमानस में वर्णन है कि रावण जब गादी पर बैठता था सत्ता पर, तो भ्रकुटि बिलौ कत सकल संहिता, दिग्पाल और देवताएं उनकी भ्रकुटि के सामने ताकते रहते कि कब भ्रकुटि बदले और कब क्या ऐलान हो, इतने भयभीत रहते थे। इतना बड़ा प्रभावक दशानन, लेकिन सत्य नहीं था तो स्थिति क्या हुई? अकेली जानकी एक कुटिया में जनक नंदिनी है, न लखन है न राम है। और गोस्वामी जी कहते हैं जब रावण गया तो 110 शीश स्वाम की नाम कुत्ते की तरह जा रहा, क्योंकि मार्ग असत्य का था, पंथ को गलत था, जिससे देवता कांपे, वो कुत्ते की तरह एक अबला मेरे देश की
उनकी रेखा नांग न पाया ये आदमी, क्योंकि सत्य नहीं था। चाहिए जीवन में, राष्ट्र में और विश्व में राम का सत्य। लक्ष्मण का जागरण, 14 साल लखन जी जागे। विश्व में कोई इतिहास है मेरे भाई बहन कि एक भाई के लिए, एक भाभी के लिए कोई भाई 14 साल तक जागृत रहा? अब लोग जागते हैं अपने स्वार्थ के लिए, समर्पण के लिए, त्याग के लिए। तो व्यक्ति को, राष्ट्र को, विश्व को चाहिए सत्य, दूसरा सूत्र चाहिए जागृति, जागरण, होश, सावधानी। व्यक्ति, राष्ट्र और विश्व को चाहिए जान की, जान की मानी धैर्य। धरती की बेटी है, जितनी धरा सबको धारण करती है, धैर्य धारण करती है। क्षमा का स्वरूप है ये, चाहिए सीता और चाहिए हनुमंत जैसा निष्काम सेवा भाव। केवल सेवा ही जिसका जिसका लक्ष्य है, सेवा ही जिसका सर्वस्व है। और चाहिए निष्पक्ष, निर्वैर और निर्भय सदगुरु वशिष्ठ जैसा, जो निष्पक्ष हो, जो निर्वैर हो और जो निर्भीक हो, जो राम को गाड़ी पर बैठाते समय अनुशासन कर सके कि शासन तुम करो राघव, लेकिन अनुशासन देश के ऋषि लोग करेंगे। निर्भीक, निर्वैर और बिल्कुल निष्पक्ष कोई ऋषि प्रतिभा, कोई मनीषी चाहिए राष्ट्र को, विश्व को। तो इस पंचायत के बिना जीवन और राष्ट्र या तो विश्व का, जिसके लिए हम कल्याण की कामना करते हैं, शांति चाहते हैं कि संसार भर में शांति हो, ये हमको तो नहीं लगती कि इन सूत्रों के बिना संभव हो। इसलिए धार्मिक ग्रंथ नहीं है मेरे भाई बहन। ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का व्याकरण है ये रामकथा। अभी हमारे गांव में ये अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का समापन हुआ, जो दिल्ली में शुरू हुआ था और तलगाजरड़ा में चित्रकूट कैलाश गुरुकुल में उसका, तो विदेश से अभी अभी इंडोनेशिया की जो चर्चा चली थी, वहीं से भी कई विद्वान आए, कहीं कहीं से रामायण के सब स्कॉलर, बड़े बड़े पंडित लोग, कई देश से, भारतवर्ष के, तो वहाँ समापन था। तो एक विद्वान विदेशी पंडित कह रहे थे कि अपनी बोली में बोल रहे थे, भाषांतर किया जा रहा था, मैं सुन रहा था। उसने कहा कि रामायण हिस्ट्री नहीं है। बिल्कुल सही कहा उसने, रामायण केवल हिस्ट्री नहीं है, एक केवल ऐतिहासिक घटना ही मात्र नहीं। हमारे देश में घटना घटी है, इसका सबको गौरव है, लेकिन केवल ये ऐतिहासिक घटना ही मात्र नहीं है। उसने, इस विद्वान ने ठीक कहा। फिर जब मुझे बोलने का आया तो मैंने विनम्रता से कुछ और सूत्र जोड़ दिए कि मैं ये कहना चाहूंगा, जो मेरी इतने साल की रामायण की जो यात्रा है, रामायण की गोद में मैं पला हूं, प्रत्येक चौपाई ने मुझे दूध पिलाया है और जिससे तुष्टि पुष्टि पाई है वो मेरा अनुभव मैं कहूं, तो मैं विद्वानों को कहता था कि आपकी बात मैं कबूल करता हूं। मैंने भी कई बार कहा कि रामायण केवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन मैं कुछ और वस्तु जोड़ना चाहूंगा मेरे भाई बहन, कि रामायण केवल हिस्ट्री नहीं है, रामायण केवल विक्ट्री भी नहीं। कोई तो विजय की कथा मात्र नहीं कि तुम केवल जय जयकार कर दो। इस देश तो यह कहता है, भक्त संप्रदाय, संत संप्रदाय तो यह कहता है कि हारे को हरि नाम। यहां विजय की इतनी बड़ाई नहीं है, यहां दूसरों की प्रसन्नता के लिए हारने में लोग बलिदानी जीवन जीते थे। यह हार का देश है, पराजय अपनी झोली में, विजय दूसरों की जोली में डालकर मुस्कुराता हुआ ये देश। ये विक्ट्री नहीं है केवल कि रावण पर राम का विजय हुआ, एक तमस पर, एक अंधेरे पर
प्रकाश का विजय, निशिचर वंश पर सूर्य वंश का विजय, ये अद्भुत है, मनावो खुशियां। लेकिन वहीं ही मत रुक जाओ, एक केवल विजय गाथा ही नहीं है। तो रामायण केवल हिस्ट्री नहीं है, रामायण केवल विक्ट्री भी नहीं है, और रामायण केवल मिनिस्ट्री भी नहीं कि कोई मिनिस्ट्री, कोई सत्ता, कोई नहीं। यहां तो सत्ता त्याग की होड़ है, जैसे दो स्पर्धक खेलते हैं कौन आगे निकल जाए। रामचरितमानस में इस देश में एक ऐसी स्पर्धा आई कि जिसमें दो भाई उतरे मैदान में कि कौन ज्यादा त्यागे, कौन ज्यादा त्यागे। राम कहे मैं ज्यादा छोड़ू, भरत कहे मैं ज्यादा छोड़ू। शत्रुघ्न को किसी ने पूछा कि आप स्पर्धा में नहीं, बोले हमको उतरना ही नहीं, हम चुप बैठे हैं। लखन जी ने कहा हम दूसरा कुछ जानते नहीं, विजय विजय हमको कोई पता नहीं, हमको हमारा राम चाहिए, मेरा प्रभु चाहिए, मेरा ठाकुर चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो न ये केवल इतिहास है, न ये केवल विजय गाथा मात्र है, न ये केवल मिनिस्ट्री है कि एक सत्ता का बात नहीं, और ना केवल कोई डिक्टेटरी है, ये कोई सरमुखत्याशाही भी नहीं। रामायण कोई कह सकता है कि राजाशाही थी? जो लोग कहते थे कि राम राज्य लाना वो राजाशाही को लाना है, उन लोगों ने भारत की राजाशाही के अंतरंग को देखा नहीं। दोष गुण तो सब में रहते हैं, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विश्व की रचना गुण और अवगुणों से मिलाकर ब्रह्मा ने की है, इस जिक्र में हम न जाएं। लेकिन रामचरितमानस कहता है महाराज दशरथ जी को जब ये बात सूझी कि राम को राज दे दें, वशिष्ठ जी ने कहा कि जल्दी करें। उसी समय वशिष्ठ जी ने, दशरथ जी ने अपनी सभा को, नागरिकों को बुलाए और पूरी सभा में लोक मत लिया कि जो पांच ही मत लागे नीका, आप सबको मत नीक लगता हो तो मैं राम को राज्य दूं। आप सब कहते, कौन कहता है कि सरमुख अत्याशाही। लेकिन मैं एक बात जरूर हर वक्त जोड़ता रहा कि राम राज्य में केवल लोक मत नहीं था, राम राज्य में तीन और मत थे, और वो इसका अभाव है आज विश्व में, संसार में, इसलिए हम अशांत हैं। चार मत से एक निर्णय लिया जाता था रामायण में, इनमें सबसे पहले मत था लोकमत, पूरी लोकशाही करहु, लोकमत की पहली स्थापना आई थी। लोगों को पूछा महाराज दशरथ जी आपका मत हो तो मैं राम को गादी दूं। लेकिन एक दूसरा मत लिया जाता था साधु मत, साधु मत यानी मैं कहूं इस अर्थ में जो एक निष्पक्ष चेतना के रूप में विश्व के कल्याण के लिए जी रहे हैं, ऐसे साधक। साधु मत संतों का मत है, करो साधु मत लोक मत, स्पष्ट शब्द है मानस में लोक मत। नृपनय तीसरा मत लिया जाता, राजनीतिज्ञों का मत, सचिवों का, मंत्रियों का मत लिया जाता कि हमारी राजनीति क्या कहती है, हमारे राज्य के जो उसूल है, हमारी जो परंपरा है, हमारे जो आदर्श है, हमारी खानदानी जो चली आ रही है, उनके सिद्धांतों के अनुकूल निर्णय है, राजनीतिज्ञों को पूछा जाता था। और चौथा निगम निचोरी वेद मत लिया जाता था कि इस देश का वेद क्या कह रहा है, भगवती श्रुति क्या कह, चारों मिलकर के निर्णय जाहिर होता था। तो रामायण केवल सरमुख इत्याशाही, कोई कहे कि नहीं ये तो है ही नहीं, लोकमत का पूरा आदर मानस ने किया। तो न केवल विक्टरी है, न हिस्टरी है, न मिनिस्टरी है, और मैं कहूंगा रामायण केवल कोई डिक्शनरी नहीं है, एक शब्द कोश नहीं है कि तुम ये शब्द उठाओ, हर शब्द मंत्र है, जीवन को उजागर करता है। एक सामान्य को एक डिक्शनरी, और रामायण केवल मिलिट्री नहीं है कि एक सेना थी, सेना तो राम जी की देखो क्या था, सेना के पास नख, वृक्षों की शाखाएं, देखिए तो आप देखिए कि जिसके पास कोई शस्त्र नहीं लेकिन सत्य का बल था तो रावण देवी सत्ता पराजित है। बाकी शस्त्र की दृष्टि से देखो तो राम जी के पास कोई शस्त्र नहीं, उनकी सेना के पास, तो केवल सेना की कथा नहीं।
कि रामायण इनमें से कुछ नहीं, तो कहा कि तभी रामायण है क्या? मैंने कहा रामायण केवल एंट्री है, एग्जिट है ही नहीं। जो अंदर गया सो गया, फिर कभी बाहर निकल न पाया। जो रामचरितमानस में उतरा उनका मानस मानसमय हो गया। और मेरे भाई बहन, मनुष्य नहीं बिगड़ा है, मनुष्य का मानस बिगड़ गया। हमारे बाप दादे फटे कपड़े पहनते थे, आज बहुत कठिनाई से फटे कपड़े दिखाई देते हैं। सबके पास अच्छे कपड़े, मनुष्य ने बहुत तरक्की की। हर घर में रेडियो बजता है, पंखा चलता है, करीब करीब है। कभी भी कहीं ऐसे भाग के मारे हैं जहां तक नहीं पहुंच पाई कुछ बातें, ठीक है। देखिए पुराना समय गणित, बहुत तरक्की हुई, तो बिगड़ा है क्या? मानस बिगड़ा है। और इस मानस जो बिगड़ गया है उसको ये मानस ही सुधार पाएगा। दूसरा कोई कंटक से ही कंटक निकलता है मेरे भाई बहन, पैर में लगा कंटक फूल से कभी नहीं निकल सकता, और दूसरा कंटक ही लेना पड़ता है। तो बिगड़ा हुआ मानस मानस से सुधरेगा, इसलिए इस कथा की बहुत जरूरत है। हम तो कई बार खुली घोषणा की, कई लोग हम तो कहते हैं आप कथा कहते हैं एक नगर में सारा कॉलेज बंद कर देते हैं, लोग ये करते हैं, राष्ट्र को कितना नुकसान होता है। मेरा खुला जवाब है कि यदि जब ये सिद्ध हो जाए कि राम कथा के कारण राष्ट्र को नुकसान होता है, तब मैं कथा कहना बंद कर दूंगा। राम कथा तो राष्ट्र को जोड़ती थी, ये तो सेतु नंद की कथा है। जिस कथा ने वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के मतभेद को सुलझाए और एक बना दिया, एक प्रारब्धवादी एक पुरुषार्थवादी, दोनों में सिद्धांतों का बहुत खटराग चलता था, लेकिन जिस कथा ने दोनों को सेतु बना दिया, एक सेतु, जिस कथा ने जनक और दशरथ को मिला दिया, सेतु बना दिया, जिस कथा ने इस तट से उस तट तक एक सेतु निर्माण कर दिया, ये तो सेतु बंद की कथा। राम का इष्ट कौन? रामेश्वर का नाम हम लेते तो कहते सेतु बंद रामेश्वर, इसका इसका अर्थ क्या हुआ? रामेश्वर मानी राम का ईश्वर, कौन राम का ईश्वर? सेतु बंद, समाज को जोड़ दिया जाए, वो जोड़ने की कला वो राम का भी प्रभु है, भगवान भी उसको अपना ईश्वर समझते। तो सेतु बंद की ये कथा बहुत आवश्यक है। कथा को केवल इस दृष्टि से मत लोगे ये धार्मिक फंक्शन है और कोई बोल रहा है कोई सुन, नहीं नहीं मेरे भाई बहन, ये बड़े क्रांतिकारी प्रयोग है। स्वयं संचालित ये शांति है, अर्जित नहीं करनी पड़ती। देखो आप आए हैं, आपको ट्रक में बुलाया नहीं गया है, आप आए हैं, सुनेंगे चले जाएंगे अपनी स्वयं प्रेरणा से। ये कौन एकता? ये कोई वक्ता का प्रभाव है नहीं, ये कोई गाड़ी का प्रभाव है नहीं, एक बड़ा सुंदर खूबसूरत पंडाल है उसका नहीं, ये आयोजकों का कमाल है नहीं, ये कमाल है रामचरितमानस का, रामायण कहता है कि हम सबको जोड़ दे। मेरी आंख में आंसू आ गए, मैं अभी भूकंपग्रस्त विस्तार में लातूर में तो वहां किलारी में कथा कह रहा था, आश्वासन के लिए मनोबल फिर बैठ खड़ा हो जाए भूकंपग्रस्त भाई बहनों का। इसलिए मैं मेरी कुटिया पर बैठा था तो दो भाई मेरे पास आए, मुझे कहे कि बापू आपने पहचाना? मैंने कहा भाई मिले होंगे लेकिन बहुत मिलते रहते तो पता नहीं, क्षमा करे आपका परिचय। बोले आपका अभी जो यज्ञ था हनुमंत यज्ञ महुआ तलगा जड़ा में, तो हम दोनों थे। हमने कहा अच्छा बहुत अच्छा। बोले नहीं नहीं बस इतना कहकर आप मुंह मत मोड़ो, जरा पूछो कि हम कौन हैं। उन्होंने कहा बताइए। बोले मेरा नाम है अला रखा, और दूसरा ने कहा मेरा नाम है मोहम्मद मियाँ। मोहम्मद मियाँ और अला रखा हनुमान जी के यज्ञ में तीन दिन बैठ गए और मुझे पता नहीं, मेरे आंख में आंसू आ गए कि ये सेतु कौन करता है कि मेरे देश का इतना बड़ा शास्त्र सुन करता है। सेतु बंद की कथा। मैंने कहा आपने बताया अभी नहीं? बोले डर लगा कि कोई उठा दे तो। अरे मैंने कहा मेरा द्वार सदा खुला है प्यारे। ये कौन करता है? ये कोई व्यक्ति करता है? ये मेरे देश का अमर शास्त्र करता है, ये भारत का जो महाभारत पंचम वेद है। वैसे मेरी दृष्टि में रामचरितमानस भी पांचवा वेद है।
चार वेद तो चतुर्मुख ब्रह्मा के मुंह से निकला, लेकिन ये पंचमुख शंकर जो है उनके मुख से निकला है मानस, इसलिए पंचम वेद है। छह शास्त्र हमारे देश ने दिए ऋषियों ने, ये सात कांड वाला ये सप्तम दर्शन है विश्व के लिए, जो एंट्री देता है, सबको एंट्री देता है, सबको प्रवेश देता है। यहां शबरी और राम एक भूमि पर बैठकर सेतु बंद हो जाता है। यहां राम एक निस्साधन, एक दीनहीन गरीब अनपढ़ ऐसे भीम से याचना कर लेते हैं कि मुझे नौका में बिठाओ। तो राम कथा एक अद्भुत शास्त्र है मेरे भाई बहन, केवल धार्मिक फंक्शन मत समझो मेरे भाई, तो अपराध कर बैठोगे तुम। ये तो राम व्यक्ति से व्यक्ति को, प्रांत प्रांत को, भाषा भाषा को, वर्ण वर्ण को, जाति जाति को, एक प्रांत दूसरे प्रांत को, राष्ट्र राष्ट्र को जोड़ने की एक सेतु बंध की अद्भुत कथा। और एक बार जो इस कथा में आया और ठीक से अंदर प्रवेश किया तो फिर जीवन धीरे धीरे अवश्य, मेरा तो हौसला बढ़ रहा है इतने साल के। मुझे कोई कहता है कि भारत का भविष्य कैसा, तो मैं कहता हूं बहुत उज्ज्वल दिखाई दे रहा, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा, क्योंकि युवा ने कथा सुन रही, युवान भाई बहन कितने रुचि ले रहे हैं शास्त्र, ये अच्छी निशानी। कई लोग मुझे कहते हैं कि सारा कॉलेज बंद हो जाते हैं तो कितना शिक्षण का नुकसान। मैंने कहा भाई एक बार कथा सुन लेने दो तो फिर वो छात्र कभी तुम्हारे सारा कॉलेज की खिड़की के ग्लास नहीं तोड़ेंगे, ये म्यूनिसिपालिटी की ट्यूबलाइट नहीं फोड़ेंगे, वो बस को नुकसान नहीं करेंगे, वो कथा सुनकर एक कुछ और दिशा पकड़ लेगा, एक और दिशा उनको प्राप्त हो जाएगा। तो अद्भुत शास्त्र है। हमारे देहातों में कहा जाता है, सौराष्ट्र के देहातों में, कि एक बाप अपने बेटे को सप्ताह में जेब खर्ची के लिए 5 रुपया देता है, और वो बेटा 5 रुपया की नोट लेकर के कभी खर्च नहीं करता। रामचरितमानस का छोटा सा ग्रंथ गुटका था उसमें रख देता 5 रुपये की नोट, और फिर जो बैठने का कमरा था उसमें वो एक जगह रखता था, वहीं रामायण रख देता। फिर दूसरा सप्ताह बाप दूसरा 5 रुपया दे तो वो रामायण के खोल करके अंदर पन्नों में रख देता। एक दिन बाप ने कहा कि ये तो रामायण में 5-5 रुपये प्रति सप्ताह में देता हूं रख देता है, और फिर रामायण को खुले वो दीवान खंड में रखता है, कोई भी आया, कोई नौकर चाकर कोई भी ले गए, कोई चोरी कर लेगा रामायण से 20 रुपये की। तो बालक ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि पिताजी बुरा नहीं लगा है। बोले क्या? कि इस रुपये को चोरने के लिए उसको रामायण खोलनी पड़ेगी, और जो रामायण खोलेगा वो कभी चोरी नहीं करेगा, और जो चोरी करेगा वो रामायण कभी खोलेगा नहीं। प्यारे, जो चोरी करेगा वो रामायण कभी खोल नहीं सकता, और जो खोलेगा वो कभी फिर जिंदगी में चोरी नहीं कर सकता। ऐसा एक अद्भुत शास्त्र हमारे पास है मेरे भाई। तो रामचरितमानस एंट्री है, एक प्रवेश है, चाहे प्रेम में प्रवेश, चाहे मुक्ति में प्रवेश, चाहे ज्ञान में प्रवेश, कोई भी दैवी विधान में तुम्हारा हमारा प्रवेश हो जाता है रामायण के कारण। फिर व्यक्ति कभी बाहर नहीं निकलता, धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। तो ऐसा महिमावंत ये शास्त्र, ऋषियों का ये परम आश्चर्य रामायण, एक अहोभाव राम कथा, इसकी चर्चा मैं आपको कोई उपदेश देने की बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ बैठकर, फर्क इतना कि व्यास दादी बोलेगी आप सुनेंगे, इतना ही फर्क है, बाकी हम साथ बैठकर 9 दिन तक इस विशिष्ट प्रसंग की चर्चा करके हमारे जीवन की खोज करेंगे कि कहां हम चुक रहे, कितना जीना है, कौन हमें पता लेकर आया है। इसलिए तो मैं गाता रहा कथाओं में, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का,
भरोसा है किस सुखी कहता साथ देती नहीं ये किसी का साथ देती क्या भरोसा रे इस जिंदगी का क्या भरोसा रे इस जिंदगी का सांस रुक जाएगी चलते चलते सांस रुक जाएगी क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते दम निकल जाएगा दम निकल जाएगा दम निकल जाएगा दम निकल जाएगा रोशनी का क्या भरोसा रे इस जिंदगी का क्या भरोसा रे इस हम रहे ना मोहब्बत रहेगी रहेगी हम रहे ना मोहब्बत रहेगी क्या बचेगा प्रीत मोहब्बत करुणा भाईचारा स्नेह सौजन यही रहेगा मौत की क्यों में सब खड़े हैं नंबर नहीं आया है इसलिए हम मानते हैं कि आयुष्मान है बाकी सब क्यों बड़ी लंबी है ना एक आदमी रास्ते में चलता था हार्ट फेल हो गया मर गया तो लोग एकत्रित हो गए अरे रे गए बेचारा मर गया तो एक सूफी फकीर आया उसने कहा अरे भाई ये भाई ऐसा अमंगल मत बोलो किसी के लिए तो बोले बाबा अभी देखते देखते मर गया बोले नहीं 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 किसी के लिए ऐसा मत बोलो तो बोले देखिए ना तो सूफी ने बहुत सुंदर शेर कहा कि वो लेटा था जमीन पर और लोग कहते मर गया लेकिन वो बेचारा था सफर में आज अपने घर गया तुम ऐसा क्यों बोलते हो कि मर गया वो तो क्यों में खड़ा था अपने घर चल गया है क्यों बड़ी लंबी है मोहब्बत रहेगी स्नेह रहेगा बात प्रीत रहेगी मानवता रहेगी क्या बचेगा यहां मोहब्बत रहेगी रहेगी हम रहे ना मोहब्बत रहेगी रहेगी दास्तां अपनी दुनिया कहेगी कहेगी दास्तां अपनी दुनिया दास्तां अपनी दुनिया कहेगी कहेगी दास्तां अपनी दुनिया कहेगी कहेगी नाम रह जाएगा 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 नाम रह आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 तो स्नेह और प्रेम यही रहेगी तो इस सेतु बंध की कथा है ये कोई उपदेश नहीं है हम और आप मिलकर व्यास गाड़ी का जो दर्शन है उनका चिंतन करें और यदि दिल में बात बैठ जाए व्यास गाड़ी का अनुभव तुम्हारा जीवन का अनुभव हो पाए तुम्हारे जीवन का सत्य बन पाए तो फिर जीवन में ले लेना जीवन एक दिव्य बन सकता है तो सेतु बंध की कथा त्याग और समर्पण की विश्व गाथा है राम कथा तो चाहिए जीव के लिए जगत के लिए पूरे संसार के लिए
राम का सत्य, लक्ष्मण का जागरण, जानकी का धैर्य, हनुमंत की निष्काम सेवा और ऋषि तत्व जो निष्पक्ष निर्वैर और निर्भय जो ऋषि, इन पंचायत यदि हमारे रामायण के बिना कौन दे पाएगा। तो ऐसी एक कथा भगवत कृपा से हम और आप सब मिलकर नौ दिन गाएंगे। कई समय से परमादरणीय राजमाता जी और सभी परिवार और ये आयोजक मंडल और ग्वालियर की मांग थी और मैं यहां आ पाया, मुझे बड़ी खुशी है। मैं किसी की सराहना करने का मेरा कोई कारण नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं कि मैं किसी की सराहना करूं, लेकिन कुछ हमारे देश में खानदान हुए हैं, इन खानदान की जो कुछ रस्म होती है, कुछ नियमावली, इससे लगता है कि वाह क्या ये देश है, क्या ये आदर्श का देश है, अद्भुत लगता है। और ये भूमि ग्वालियर की, ये बड़ी प्राचीन भूमि कई सत्यों को अपनी भूमि में छिपाए पड़ी है और कई सपने अभी बाकी हैं, शायद राम कथा के द्वारा उसको हम फूल फलित कर दें। संत, शासन, संगीत, भक्ति, त्याग और बलिदान की ये भूमि, विश्व का तनसुख तांडे, तनसुख इसका पूर्वाश्रम का नाम था, जो तानसेन की भूमि है, इतना बड़ा संगीत से जिसने सेतु बना दिया था विश्व में, जगत में संगीत के सूर के द्वारा समता आ गया। देखो भाई, आप हम कभी कभी लोग कहते ना कि रामायण का समारोह है, संगीत का समारोह है, किसी का सम्मान समारोह है, तो मैं सोचता हूं कि आरोह अवरोह होते हैं हर जगह, लेकिन समारोह कम होता है, संगीत में आरोह अवरोह होता, लेकिन सम पर आ जाना, घूम घूम कर सम पर आ जाना, इस भूमि की कला है। मुझे आनंद है मेरे भाई, हाँ, व्यास गादी का आपको निमंत्रण है, हम साथ बैठकर हमारे इस दिव्य ग्रंथ का दान करते करते अपने जीवन की कमियों को देखें कि कहां हम चुप कर रहे हैं, कहां हम भूले हैं और क्यों, कहां तक। मुझे लोग बंबई में, मैं कल आया बंबई तो सब पूछ रहे थे कि कौन विषय उठाओगे कौन, मैंने कहा भाई निर्णित नहीं है कोई कौन लो, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये लक्ष्मण वाला, और जिसमें मां सुमित्रा की अद्भुत भूमिका है, पूरा सुमित्रा का परिचय, मानस सुमित्रा क्या है, इस राष्ट्र की मातृशक्ति क्या है, और लक्ष्मण को ये क्या कह रही है, और लक्ष्मण क्या है, आए हाय क्या कहूं। क्या अद्भुत एक प्रसंग है दोनों के संवाद का, क्या बेटा बोल रहा है, क्या मां बोल रही है। तो इस मानस सुमित्रा का प्रसंग मैं आपके सामने लिए जा रहा हूं, तीन दोहे में, बागुरी विषम तुराई मन भाग मृग भाग, बस जो मां उसको क्या क्या उपदेश देती है और बेटा क्या अपना दायित्व अदा कर रहा है, अद्भुत प्रसंग है, बड़ा लंबा है, फिर भी उसको खोल खोल कर मेरी व्यास दादी के अनुभव में जो उतरा है रामचरितमानस में। ऐसे तो ये बगिया है, मुझे कई कई लोग पूछते हैं कि कौन पात्र आपको ज्यादा पसंद, मैंने कहा वो तो अपराध हो जाएगा किसको, क्योंकि ये तो बगिया है मेरा, कोई गुलाब है कोई डोलर है कोई मोगरा है, गुलाब गुलाब है डोलर डोलर है। लेकिन दो बात जब सुमित्रा का प्रसंग उठा रहा हूं तब कहूं कि मानस के दो पात्र अपनी जगह अनूठे हैं और दो हैं, एक सुमित्रा और दूसरा सुमंत्र, महाराज दशरथ जी का प्रधान सचिव सुमंत और मां सुमित्रा, क्या दर्शन है इनका। तुलसीदास जी ने शाही से नहीं लिखी, रक्त से लिखी ये कथा, अपने खून में डुबो डुबो करके उसने कथा लिखी। तो इस सुमित्रा और लक्ष्मण का जो संवाद है अद्भुत है, उसका मूल रूप में हम दर्शन करेंगे, बाकी क्रम में कथा
लूंगा एक एक प्रसंग को संक्षेप में, बाकी तो ये अनंत कथा है, उसका कौन पार पा। मेरे बाबा जी ने कह दिया कि मैंने मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए राम गुणगान गाए, बाकी समुद्र इनका कौन पार पा सका। बाबा के शब्द राम जैसे तुलसी रघुबीर चरित अपार पारिधि अपार कवि होने पार। चरित्र रघुनाथ का कौन पार पा सकता है, इसलिए एक एक प्रसंग को विशिष्ट रूप में हम आज के संदर्भ में देखो भाई, मैंने कई बार कहा एक कथा प्राचीन है लेकिन अर्वाचीन जगत की समस्या का जवाब है और भविष्य की जनता के लिए एक अद्भुत मार्गदर्शन है। तो प्राचीन ग्रंथ कितना पुरानी कथा, और कई लोगों ने जैसे भगवती श्रुति ने घोषणा की एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, जैसे हर एंगल से सत्य को देखा जाता है वैसे भगवान राम को हर एंगल से ऋषियों ने देखा कि राम क्या है, राम क्या है, राम क्या है। धनुष बाण लेकर के किसी के हृदय में बैठना क्या आक्रमकता नहीं है? क्या कहोगे इसको आप? अरे कोई भी आक्रमक व्यक्ति भी जब तुम दिली सम्मान देते हो तो अपने शस्त्र एक और रखकर तुम्हारे दीवान खंड में बैठ जाता है। धनुष बाण लेकर किसी के हृदय में बैठना हो तो कोई सुकोमलता नहीं दिखाई देती, लेकिन भगवान राम के बारे में लिखा है हनुमान जी का हृदय मंदिर है, जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। धनुष बाण लेकर राम जी हनुमान जी के हृदय में बैठे, हनुमान जी को किसी ने पूछा कि महाराज धनुष बाण लेकर राम जी आपके हृदय में बैठे तो बहुत एंगल से देखा जाता है ना प्रसंग को, तो हनुमान जी ने कहा कि मेरे राम के धनुष बाण को केवल धनुष बाण मत समझो, तो बाण है वो संयम नियम है और धनुष है वो विवेक और ज्ञान है। राम के हाथ में विवेक है और राम के अचल और स्थिर मन रूपी निशंग में तर्कस में संयम नियम के तीर भरे हैं। इस दृष्टि से भी प्रभु को देखा गया। तो ये प्राचीन कथा अर्वाचीन जगत का जवाब है। हमारे देहातों में कहते हैं लोग कि एक भाई बंबई जा रहा था तो एक भाई ने उसको कहा कि बंबई से एक अच्छा दर्पण मेरे लिए ले आना, अरीसा शीशा ले आना। एक महीने के बाद जब बंबई से लौटा तो फिर वो आदमी आया कि भाई मैंने आपसे एक दर्पण मंगवाया था ले आए, तो उसने तुरंत अपनी झोली से रामायण का छोटा सा गुटका दिया कि ले यही सच्चा दर्पण है, इसमें दिखाई देगा कि दशरथ जैसा है कि दशानन जैसा है, तू ऋषि जैसा है कि राक्षस जैसा है, तू शूर्पणखा जैसी है कि शबरी जैसी है, तू क्या है ये रामायण के दर्पण में तेरे जीवन को देख ले। वो अरीसा तो टूट सकता है लेकिन ये अभंग अतूट अकाट्य अनंत ऐसा ये शास्त्र। मैं तो कई बार आपको प्रश्न पूछ चुका कि इस देश में रामायण और गीता नहीं होती तो हम क्या होते, इस देश का क्या हो जाता, कल्पना तो कीजिए। इसलिए इन ग्रंथों को केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, धार्मिक ग्रंथ है इसका गौरव होना चाहिए, इसका पूरा सम्मान होना चाहिए, लेकिन केवल धार्मिक ही ग्रंथ है नहीं, इन्होंने अर्वाचीन जगत की समस्याओं का उत्तर दिया है। मैं पहले यह कहता था भाई शुरू में कि दुनिया में जो है वो सब रामायण में है और रामायण में नहीं है वो दुनिया में भी नहीं। अब मैंने यह कहना अनुभव के बाद शुरू किया कि ईश्वर में जो है वो सब रामायण में, जो रामायण में नहीं है वो ईश्वर में भी नहीं, क्योंकि ईश्वर को किसने देखा? मैंने तो मानस की चौपाइयों का साक्षात्कार किया है, किसने देखा है ईश्वर को?
रामायण को देखा, गीता को देखा, श्रुति को देखा, भागवत को देखा, उपनिषद को देखा, उसमें श्वास ले रहा है परमात्मा, सीना उसका हिल रहा है। ये शास्त्र जीवंत शास्त्र है, इसलिए लोग सिर पर रखते हैं। ये पुस्तक नहीं है, मेरे देश के ऋषियों का मस्तक है, इसको पुस्तक मत समझे। पुस्तक को तुम अलमारी में भी रख दोगे, चुक जाओगे, लेकिन उसको तो हम सिर पर लेते हैं, क्योंकि मेरे देश के ऋषि मुनियों का मस्तक है। ये उनकी ऋषियों की कमल पूजा है। राजा महाराजा पहले कमल पूजा चढ़ाते थे शिवलिंग पर, सिर सरकलम कर देते हैं। ये ऋषियों ने अपना मस्तक उतार करके हमारे हाथों में दे दिया कि हमारे विचार, हमारे वैश्विक चिंतन तुम्हारे हाथ में दे रहे, उसका संकीर्ण अर्थ मत करना, उसका संकुचित हिसाब मत लगाना, उसको विशाल अर्थ में उसको देखना और समाज में रखना। ऐसा एक अद्भुत शास्त्र रामचरितमानस। मन की मलिनता और काल की मलिनता दोनों को विशुद्ध करने वाला ये शास्त्र आज हमारे पास है, ये हमारा सद्भाग्य है हम सबका। तो ऐसे शास्त्र की कथा इस ऐतिहासिक नगरी में, मैंने कहा कि कई सत्य दबे हुए हैं इस भूख भूमि पर, मुझे आनंद हो रहा है। कई चरित्रों को जब मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो इस भूमि में जो जो हुए हैं ऐसा अद्भुत घटनाएं, आओ हम इनका गौरव करें। ऐसी ऐसा ही शास्त्र, तो तीन दोहे का ये प्रसंग मानस सुमित्रा की क्या व्यक्तित्व है, उनकी चर्चा हम प्रधान रूप में लेंगे। रोज रोजाना सुबह 9 बजे से कथा रहेगी, 1 बजे तक एक समय कथा चलेगी। आप सब सादर निमंत्रित हैं सत्संग में, जीवन के मूल्यों का दर्शन करने के लिए सभी को व्यास गादी का निमंत्रण है। और आज के वक्तव्य को विराम दूं इससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए सब भाई बहन हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं, फिर आज की कथा को विराम दूंगा, फिर आरती होगी। तो आइए कुछ क्षणों के लिए, चंद क्षणों के लिए भाव से, भीतर से, ब्रज भूमि यहां से दूर नहीं है। कहते हैं मथुरा वृंदावन 3-4 घंटे में वहीं से यहां पहुंचा जाता है, इसलिए वृंदावन दूर नहीं है। प्रेम से ये प्रेम भूमि के करीब है। ब्रज रज उड़ती होगी तो कभी ग्वालियर पर उड़ जाती होगी, आती होगी। और ये रज आंख में आ जाए तो आंख का रजोगुण सदा के लिए निकल जाए। जो रजोगुण हमको मार रहा है, और यदि गुण रज मिल जाए, आइए कृष्ण करीब लग रहा है यहां से, इसलिए एक बार पुकारे कृष्ण को भाव से, भीतर से, पहले हम गाए फिर आप गाए। से प्यार से भीतर से कुछ कथाओं से कह रहा हूं, हमारे सर्वकांड की जो परंपरा है वही अदाचारी देव जो करवा रहे थे मंदिर में संग्रह कर, एक हमारी अद्भुत परंपरा, इसमें हस्ते जन्मादा होता है। कोई संकल्प करो तो हाथ में जल लेकर संकल्प करना, संकल्प वो एक दिव्य सत्कर्म के लिए, उनकी पूर्णता के लिए हाथ में जल लेना पड़ेगा, तभी वो पूरा होगा। लेकिन विश्व कल्याण, परम शांति, जगत में स्नेह और प्रीत का वातावरण भरना हो तो वो संकल्प केवल हाथ में पानी लेकर नहीं होगा, वो आंख में पानी लेकर किया जाए, फिर आंखों में आंसू भर जाएंगे, तभी वो संकल्प फलित होगा। तब कोई किसी से वैर नहीं करेगा, कोई किसी से तकरार नहीं करेगा, एक खूबसूरत धरती हम देख पाएंगे बाप, एक खूबसूरत विश्व हम देख पाएंगे,
और संकल्प करो नेत्र में जल लेकर कि हम रहे, उसी दरमियान ये खूबसूरत जगत दिखाएगा। उस जगत की खूबसूरती आ जा, इसलिए पुकारो भाव से भीतर। Oh,
राधे जय राधे प्रेम अबाधे श्री राधे हरि बोल राधे कीर्ति व्यक्तिगत फायदा देती है, जिसको मिले जिसकी सराहना हो जिसकी वाह वाह हो, लेकिन नीति सामाजिक व्यवस्था निर्माण कर देती है। कोई अच्छी नीति लेकिन समाज में आमूल परिवर्तन आमूल क्रांति प्रीति के बिना संभव है। जब कीर्ति व्यक्ति को बहुत ऊपर उठा देती है, निशंक नीति समाज को सुव्यवस्थित कर देती है कुछ नीतियां, लेकिन जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक आमूल परिवर्तन असंभव। जब भारत का ऋषि कहता है ओम में हस्तो भगवान, मेरे दो हाथ की 10 अंगुलियां दशा अवतार है, मैं क्या नहीं कर सकता। ओम में हस्तो भगवान अयम में भगवत रह, मैं भगवान से भी ऊपर हूं भगवान से भी आगे हूं, क्योंकि भगवान को चाहू तो प्रेम के बंधन में बांध करके धरा पर उतार सकता, इसलिए मैं भगवान से भी आगे। हम मित्र के साथ हाथ मिलाते हैं, बड़ों के साथ हाथ मिलाते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन राम कथा सुनते सुनते अपने दो हाथ भी मिलाना सीखो, अपने जो निज हाथ हैं उनको भी जोड़ो और ये करताली बज जाएगी, और ये करताली बजते ही रामचरितमानस में चौपाए है। रामायण क्या है? राम कथा सुंदर करताली, राम कथा
भी हंग उड़ाएगी, समय भी हंग उड़ाएगी। वृक्ष की शाख पर बैठा पक्षी, उसको गोली मारने की जरूरत नहीं है, उसको पत्थर मारने की जरूरत नहीं, तुम उड़ाना ही चाहते हो तो जहां बैठे हो वहीं से उठने की भी जरूरत नहीं है, न पुकारने की जरूरत है, न कंकर फेंकने की जरूरत है, जहां हो वहीं से दो हाथ को ताली लगाओ और पक्षी उड़ जाएगा। वैसे रामायण की कथा ये तो करताली है, हमारे छोटे बड़े संदेह दूर हो जाएंगे, हमारे छोटे बड़ी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा और जीवन में एक प्रेम राज्य, एक राम राज्य प्रस्थापित हो जाएगा। ऐसी महिमावंत कथा है राम कथा। न केवल हिस्ट्री है, न केवल विक्टरी है, न केवल डिक्शनरी है, न केवल कुछ, उसमें केवल एंट्री है कि हमारा उसमें प्रवेश हो जाए और हम इतना डूबे। हमने कई बार आपको सुनाया है कि दो मानस, एक तो हिमालय में मानस सर, भारत का गौरव, कैलाश की छाया में ये मानसरोवर, ये दूसरा जंगम मानसरोवर। उस मानसरोवर में पानी भरा है, इसमें एक सिद्ध संत की वाणी भरी है। उस मानसरोवर में शायद किसी का पैर फिसल जाए, डूब जाए, तो हो सकता है मर भी जाए, लेकिन उसमें जितना कोई डूबे इतना तैर जाता है, इतना ऊपर उठ जाता है। सुना है हिमालय के मानस सर पर हंस आते हैं, लेकिन देखा है कि तुलसी के रामचरित मानस के पास तो हंस नहीं, भारत के परम हंस आते हैं। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े जीवन मुक्त लोग भी उनका स्वाद लेते हैं, चबाते हैं, गुनगुनाते हैं, और वो मानस सरोवर वहीं जाना पड़ता है, मंजूरी लेनी पड़ती है, और हमारा होते हुए भी कहीं मुश्किल है, कहीं तकलीफ है, फिर हमको तो मानसरोवर में कथा करनी है, क्योंकि ये मानस कैलाश में कथा का जन्म हुआ है, और एक बार वहीं जाकर मानसरोवर के तट पर 9 दिन हमको बैठकर उसकी मूल भूमि में कथा करनी, तो वो मानसरोवर स्थिर है, तुलसी का मानसरोवर जंगम है, चलता फिरता गांव गांव। अब देखिए ना, घर घर में, उत्तर भारत और बिहार के प्रांतों में तो देखो के, हमारे बंबई में ऐसा कहा जाता है, बंबई में भैंसों के तबेले बहुत, और भैया लोग जो ज्यादातर बिहारी भाई बहनों भाई, ये भैंसों को पालते हैं, दूध का धंधा करते हैं, तो ये जब भैंसों को साफ करते हैं ना, कि गोबर वो करते हैं, वो तो भैंस के साथ जो झुक करके वो काम करता है, तो निर्णय करना मुश्किल कि कौन भैंस है और कौन, बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना उनका शरीर भी काला हो गया है और इतना मजदूरी करता है और रुष्ट पुष्ट हट्टा कट्टा होता है, तो गोबर साफ करेगा ये करेगा, तो निर्णय करना मुश्किल कि भैंस कौन और ये कौन। लेकिन जब चौपाई गाएगा तब लगेगा कि चौपाई गा रहा है ये आदमी है और नहीं गा रहा है वो भैंसा है, इतना ही फर्क है, तभी उसका निर्णय हो जाता है कि पशु कौन है और इंसान कौन है, उसका निर्णय तभी होता है। तो ऐसा ये शास्त्र है, अद्भुत शास्त्र है, उनका गान एक बार कोई प्रवेश कर लेता है उसमें, जीवन में एक रोशनी छा जाती है। इसलिए युवाओं को तो खास निमंत्रण है मेरा हर जगह कि युवक मानस को अपना अनुभव बनाए, रामचरित मानस को विश्व कल्याण के लिए अपना आदर्श के रूप में उसको देखे समझे। तो आप सब सादर निमंत्रित है आज से कथा मानस सुमित्रा माँ का प्रसंग लेकर मैं प्रारंभ कर चुका हूँ, रोज उसका 2-2, 3-3 पंक्तियाँ लेकर उसका दर्शन, भीतरी दर्शन व्यासदादी करना चाहेगी, करेंगे हम, और क्रम में राम कथा भी साथ साथ राम राज्य पर राज्याभिषेक तक लेंगे। तो आइए एक बार पुनः वो पंक्तियाँ, जाई
देगी चल क्षिप्त कर देते हैं, इन पक्षियों को उड़ाने के लिए ये दो हाथ की करताली है रामचरितमानस। तो आज से 9 दिन तक हम ये ताली बजाएंगे 9 दिन तक, ताकि हमारी समस्याएं, हमारे संदेह, हमारे छोटे बड़े जो कुछ हो वो उड़ जाए और एक स्नेह का सेतु, एक प्रेम का सेतु बन जाए। तो इस अर्थ में इस कथा का, मातृशक्ति का वंदन करने के लिए इस प्रसंग को मैं उठा रहा हूँ। प्रत्येक कांड में दो दो मातृशक्ति है, बहुत काम करें। रामचरित मानस के सातों कांड में दो दो मातृशक्ति, और क्या अपूर्व। मुझे तो लगता है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने नारी में जो 7 विभूतियों में अपना जो दर्शन बताया, वो 7 कांड में एक एक विभूति प्रस्थापित हो जाती है। एक एक कांड में नारी की जो विभूतियां हैं उसका दर्शन होता है। तो इस दर्शन को हम सुमित्रा माते इस प्रसंग के माध्यम से देखेंगे, साथ में मिलकर इनका गान करेंगे और जीवन का दर्शन करने की विनम्र चेष्टा करें। पुनः एक बार मेरी प्रसन्नता और आप सबको सादर निमंत्रण देता हुआ मैं मेरे शब्दों को विराम दूं और कल सुबह 9 बजे कथा 9:30 बजे सुबह रखेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ सत्संग विराम ले रहा है और आरती हो इससे पूर्व। पवन तनय संकट हरन मंगल राम लखन सीता बोलिए हनुमान। तो कथा विराम ले रही है, कल सुबह 9:30 बजे कथा आगे बढ़ेगी। भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की।
रात काले पड़े तो सुनते आरती श्री रामायण जी के अवत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद भरली पवन सुत आरती श्री राम जन धर आरत संत शंभु भवानी अर्भत संभव मुनि विज्ञानी पादभूषण आरती श्री राम जग सिंगार मूर्ति सुमती सात नाथ